गोवर्धन पूजा की कथा। जय श्री कृष्ण राधे राधे। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज ही के दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। अन्नकूट शब्द का अर्थ होता है अन्न का समूह। विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित करने के कारण ही इस पर्व का नाम अन्नकूट पड़ा। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से आरंभ हुई। इसमें हिंदू धर्म के लोग घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान मिठाई से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन धन दौलत गाड़ी अच्छे मकान के लिए श्री कृष्ण जी और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाता है ताकि नौकरी या व्यापार में खूब तरक्की मिल सके। आज मैं आपको सुना रही हूँ गोवर्धन पर्वत की बड़ी ही दुर्लभ कथा, जो इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इस कथा को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान की गोवर्धन लीला के समय जब इंद्रदेव वर्षा और विनाश का तांडव करके थक गए, तब वृंदावन और वृंदावन वासियों का कुछ भी बाका न कर पाए, तब वह बहुत लज्जित हुए। वह भगवान की लीला और उनकी शक्ति को पहचान चुके थे। उनका अभिमान चूर चूर हो चुका था। वह भगवान से अपने कीर्ति के लिए क्षमा मांगने की सोच रहे थे किंतु साहस नहीं कर पा रहे थे। तभी आकाश मार्ग में तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। कुछ ही देर में गौ माता सुरभि वहां प्रकट हुई और इंद्र को संबोधित करते हुए बोली, हे देवराज, मैं अब तक आपको गौवंश का रक्षक ही समझ रही थी किंतु अब मेरा भ्रम टूट चुका है। आपने अपने अहंकार के कारण वृंदावन के पूर्ण गौवंश को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, किंतु धन्य है भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गौवंश की ही नहीं बल्कि समस्त वृंदावन वासियों को आपके कोप से रक्षा की। सत्य में तो वही गौ रक्षक है जिन्होंने गौवंश के किसी भी प्राणी का तनिक भी अहित न होने दिया। अतः मैं आपको गौवंश का रक्षक मानने से इनकार करती हूँ। मैं जा रही हूँ वृंदावन की पावन धरती पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ श्री हरि के चरणों की वंदना करने। ऐसा कहकर गौ माता सुरभि वृंदावन की ओर चल पड़ी। वृंदावन पहुंचकर गौ माता सुरभि भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुई। गौ माता को अपने सम्मुख देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके आने का कारण पूछा तो गौ माता सुरभि बोली, हे स्वामी, आप तीनों लोकों के पालनहार हैं। आज आपने अपनी लीला से वृंदावन के समस्त गौवंश की रक्षा की है। मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ। हे प्रभु, हे नाथ, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। हे स्वामी, समस्त सृष्टि आपके संकेत मात्र से चलती है। आप ही समस्त सृष्टि के उत्पत्ति कारक है। आप ही एकमात्र उत्तर है। पूरे संसार आपसे ही उपभोग प्राप्त करता है। किंतु हे प्रभु, आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, कृपा कर उसे स्वीकार करें। तब भगवान कृष्ण प्रेम पूर्वक बोले, हे माता, आप मुझको अपनी माता के समान ही प्रिय है। आप जो भी देंगे उसको प्राप्त करना मेरा सौभाग्य होगा। यह सुनकर गौ माता सुरभि अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे स्वामी, आपके इस संसार में अनेक नाम है किंतु आज मैं आपको एक नाम देना चाहती हूँ, कृपा कर उसे स्वीकार करें। तब भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोले, अवश्य माता, शीघ्र ही बताए। वह माता सुरभि बोली, हे नाथ, अपने समस्त गोवंश की रक्षा की है इसलिए आज से आपको गोविंद नाम से पुकारे जाएंगे। गोविंद नाम सुनकर भगवान कृष्ण प्रसन्नता से झूम उठे और गौ माता सुरभि से बोले, हे माता, आपका दिया यह नाम अत्यंत सुंदर है। मैं इसको सहज ही स्वीकार करता हूँ। मेरे जितने भी नाम हैं उन सभी नाम में यह नाम मुझको सबसे अधिक प्रिय होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मेरा जो भी भक्त मुझको गोविंद नाम से पुकारेगा
उसके सभी दुख मैं स्वयं भी हरण करता रहूंगा। भगवान और गौ माता सुरभि के मध्य यह वार्तालाप चल ही रही थी कि तभी वहां देवराज इंद्र भी आ पहुंचे। उन्होंने भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और गोविंद नाम से भगवान की वंदना की। भगवान ने प्रसन्न होकर इंद्र को क्षमा कर दिया। तत्पश्चात देवराज इंद्र और गौ माता सुरभि ने प्रभु से विदा ली। इस प्रकार मेरे ठाकुर जी का एक और नाम पड़ा गोविंद, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष प्रेम था। अतः सुरभि माता द्वारा दिया गया गोविंद नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त भगवान को गोविंद नाम से पुकारता है, भगवान उसकी प्रार्थना को इस प्रकार स्वीकार करते हैं जैसे गौ माता उनको पुकार रही हो। इसलिए भगवान के जिस भी भक्त को भगवान का आश्रय प्राप्त करना हो, उसे जीवन के प्रत्येक क्षण में गोविंद गोविंद रटते रहना चाहिए। अब गोवर्धन पर्वत की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा के अनुसार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था और इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया आप यह किस लोक की पूजा की तैयारी कर रही हैं? श्री कृष्ण जी की बातें सुनकर माता यशोदा बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। माँ के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, माँ हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी भी दर्शन नहीं देते हैं, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं, अतः ऐसे अहंकारी की पूजा करनी नहीं चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे, सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और यह कनिष्ठ पर पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने और गाय और बछड़ों के समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप अमीर बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम आदमी हो ही नहीं सकता, अतः वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं, वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र लज्जित हुए और श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकार वश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया और भगवान से क्षमा मांगी, अपने लोक को चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने पर ब्रज के लोग अपने पशु के साथ पर्वत के नीचे से निकलकर अपने घर को चले गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी ने पर्वत को इस स्थान पर ज्यों का त्यों रखा। गोवर्धन महाराज, भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से आपने ब्रज मंडल के निवासियों की भड़ी भूरी दृष्टि से रक्षा की, इस प्रकार से हमारी भी सभी प्रकार की मुसीबतों से रक्षा करना। अपनी छत्र छाया में हमें सदैव सुरक्षित रखना और हमें सद्मार्ग में ही प्रेरित करना। इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण जी का नाम गिरिराज भी हो गया। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय। अब
गोवर्धन पूजा की दूसरी कथा को सुनते हैं। गोवर्धन पर्वत को लेकर धार्मिक मान्यता है कि यह पर्वत हर रोज तिल भर घटता है। इसके पीछे एक रोचक कथा है। हर रोज घटने का कारण ऋषि पुलस्त्य का श्राप है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि पुलस्त्य गिरिराज पर्वत के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें उनकी खूबसूरती इतनी पसंद आई कि वह मंत्रमुग्ध हो गए। ऋषि पुलस्त्य ने द्रोणाचार्य द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं इसे काशी में स्थापित करूँगा और वहीं रहकर इनकी पूजा करूँगा। पिता द्रोणाचार्य पुत्र गोवर्धन के विछोह से दुखी हुए। गोवर्धन ने कहा, हे महात्मा, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि आप मुझे सबसे पहले जहाँ भी रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। पुलस्त ने शर्त मान ली। गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी ले जा लेकर जाएंगे। तब ऋषि ने कहा, मैं अपने तपोबल के माध्यम से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। ऋषि पुलस्त को उठाकर चलने लगे। रास्ते में ब्रज आया, तब गोवर्धन पर्वत को दिखा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में लीला कर रहे हैं। बड़ा मनोहरी दृश्य और मनभावन जगह है, उनके वहाँ ठहरने की इच्छा हुई। इसके बाद गोवर्धन पर्वत ऋषि के हाथों में अपना भार बढ़ाने लगे, जिससे ऋषि ने आराम और साधना के लिए पर्वत को नीचे रख दिया। ऋषि पुलस्त यह बात भूल गए थे कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को कहीं भी नहीं रखना था। साधना के बाद ऋषि ने पर्वत को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पर्वत हिल तक नहीं सका। इससे ऋषि पुलस्त ने बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मेरी मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, इसलिए अब हर रोज तिल भर तुम्हारा घटता होता जाएगा। माना जाता है कि इस समय से गिरिराज पर्वत हर रोज घट रहे हैं। अब गोवर्धन गिरिराज जी के प्राकट्य होने की कथा को सुनते हैं। धार्मिक दृष्टि से गिरिराज जी का प्राचीन काल से ही ब्रज में सर्वाधिक परिपूर्ण स्थान और महत्व रहा है। ब्रज में मान्यता है कि श्री गिरिराज जी की तलहटी एवं कंदराओं में भगवान श्री कृष्ण तथा श्री राधा जी के विहार स्थल रहे हैं, अतः इस भूमि का विशेष महत्व है। गिरिराज गोवर्धन के संबंध में गर्ग संहिता में उल्लेख है कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित शालमली द्वीप में पर्वत श्री द्रोणाचल के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से श्री गोवर्धन नाथ जी का जन्म हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके श्री गोवर्धन जी की वंदना की। एक समय ऋषि पुलस्त भ्रमण करते हुए वहां गए, जहां वहां नाना प्रकार के हरे भरे वृक्ष लताओं से भरी पूर्ण सुंदर श्यामल गोवर्धन को देखकर उन्हें अपने स्थल पर स्थापित करने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि काशी के निकट ऐसा कोई पर्वत नहीं था जहां शांति से बैठकर वे भजन कर सके। अतः ऋषि पुलस्त ने द्रोणाचल जी से गोवर्धन जी को देने के लिए अनुरोध किया। पर्वत राजवाद होकर देने से इनकार न कर सके। गोवर्धन जी ने दुखी होकर ऋषि से यह तय कर लिया कि मैं आपके हाथ में रहकर ही चलूंगा और आप मुझे कहीं भी नीचे नहीं रखेंगे। यदि किसी प्रकार नीचे रख देंगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और तिल भर भी आगे नहीं चलूंगा। ऋषि पुलस्त ने शर्त को स्वीकार कर लिया, अपने हाथ में गोवर्धन जी को रख काशी को प्रस्थान किया। मथुरा पहुंचने तक तो गिरिराज जी हल्के रहे, किंतु फिर उनके इतने भारी हो गए कि ऋषि अगस्त हाथ में रखने में असमर्थ हो गया और उन्हें भूमि पर रख दिया। संध्या वंदना स्नान तथा भोजन के उपरांत ऋषि चेष्टा पूर्वक गिरिराज जी को उठाने लगे तो गिरिराज जी ने जाने से इनकार कर दिया। तब ऋषि ने क्रुद्ध होकर यह श्राप दिया कि तुम नित्य प्रति एक तिल के समान घटते जाओगे। गिरिराज जी ने ऋषि अगस्त्य को ग्रहण किया, किंतु उन्हें ज्ञात था कि श्याम सुंदर श्री भगवान ब्रज में अवतरित होंगे, विविध लीलाएं करेंगे जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। वराह पुराण में वर्णन बताया गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से श्री हनुमान जी उत्तरांचल से गोवर्धन जी को कंधे पर
रख कर ला रहे थे तो दीवानी हुई कि समुद्र में सेतु बन गया है। भविष्यवाणी सुनकर हनुमान जी ने उन्हें यहीं पृथ्वी पर रख दिया। तब हरि भक्त गिरिराज जी ने हनुमान जी से कहा कि आपने मुझे भगवान के चरण से वंचित किया है, तब मैं आपको श्राप दूंगा। इस पर हनुमान जी बोले, हे गिरिराज, क्षमा करें। जब इंद्र की पूजा का खंडन करके भगवान श्री कृष्ण आपकी पूजा करवाएंगे तो इंद्र कुपित होकर ब्रज में उत्पात करने लगेंगे। उस समय आप ब्रजवासियों के रक्षक होंगे। द्वापर के अंत समय में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, वे ही आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी आकाश मार्ग से श्री राम जी के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, सेतु बंधन हेतु ले गए यह सब पर्वत मेरे चरण स्पर्श से विमुक्त हो गए, परंतु मैं गोवर्धन को अपने हस्त कटाक्ष तथा सर्वांग स्पर्श से पवित्र करूंगा। मैं गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठाऊंगा। मैं वसुदेव के कुल में जन्म लेकर व्रज में विविध लीलाएं करूंगा तथा गोवर्धन के ऊपर चार गोपियों के संग अद्भुत विलास करने से उसे हरिदास श्रेष्ठ बना दूंगा। ब्रज में गोवर्धन मेरी लीलाओं के परम सहायक रूप में प्रसिद्ध होंगे। गोवर्धन की उत्पत्ति के बारे में गर्ग संहिता में इस प्रकार से भी कहा गया है कि जब देवताओं ने संताप के कारण प्रार्थना की तो श्री कृष्ण जी ने ब्रज के उधर हेतु अवतार धारण करने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने श्री राधा जी को यह बात बताई तो वह बोली, मैं आपका वियोग एक पल भी नहीं सह सकती। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं आपको संग लेकर ही व्रज में अवतार धारण करूंगा। इस पर श्री राधिका जी ने कहा, हे प्राणनाथ, जहां वृंदावन नहीं, जहां यह यमुना नहीं है तथा जहां गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने धाम गोलोक से 84 कोस विस्तृत भूमि और गिरिराज गोवर्धन और यमुना नदी को भूतल पर भेज दिया। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मावृत पुराण के अनुसार रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष, अर्थात श्री राधा जी के जाप से ही श्री कृष्ण और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व काल में श्री राधा जी के सत्संग पर्वत पर एक सहस्त्र दिव्य युग तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यंत दुर्बल हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि श्री राधा चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत कृश हो गई हैं। तब भगवान श्री कृष्ण करुणा से द्रवित होकर श्री राधा को छाती से लगाकर फूटकर रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा को वर देते हुए कहा, राधे, तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल पर है, तुम यही रहो। मुझे तुम्हारी अविचल प्रेम भक्ति सौभाग्य है। मैं प्रेम गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतम बनी रहो। संसार की समस्त युवतियों में तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा, तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा। जैसा आभूषण शरीर की शोभा है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उस प्रेम को अपने भक्तों में बांटता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा से ही श्री राधा जी ने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, गौरव तथा श्री कृष्ण जी के हृदय स्थल में स्थान पाया है। वृंदावन की लीलाओं में लौकिक दृष्टि से तो श्री कृष्ण जी 11 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज का परित्याग करके मथुरा आ गए थे। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात कल्पना भी नहीं की जा सकती। और अलौकिक जगत में श्री राधा कृष्ण दोनों सर्वथा एक ही हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य विग्रह का दर्शन करने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को एक अंत वन में श्री राधा जी के दर्शन कराए और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज कृष्ण और महाभारत रूपी राधा की लीला, विवाह लीला भी संपन्न हुई। यह विवाहित श्री राधा जी की सदैव ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती है, अवश्य ही छिपी रहती है। केवल कृष्ण कृपा होने पर ही युगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा श्री कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है।
उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वह सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर श्री कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंकर चरण दानव के रूप में हुआ। दानव कर्ण में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना रहा। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा, जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगे तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में प्रयाण नामक एक वैश्य से होगा, हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। राधा रानी, आप अब धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव पीड़ा भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी नन्ही कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा रानी नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। राधा जी को नारद जी को लगता था कि वह श्री कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त है। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी है, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव कराना ही पड़ेगा। जब नारद जी ने श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सर पकड़ कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु आपको क्या हुआ है? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, नारद जी मेरे सिर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा, प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सिर पर लेने को तैयार ना हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई, फिर वह तो वहां भी गए तो श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त है। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने इस समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दिया और कहा, जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण जी को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती है, श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तब तक नारद जी समझ गए कि राधा की श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और उनकी सबसे बड़ी भक्त है, तथा श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे यह एहसास कराने के लिए रची है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।